आज हम आप लोगों को डोमेन और रेंज ज्ञात करने की सुपर ट्रिक्स बताने जा रहे हैं। ये लेक्चर नंबर 2 होगा, जिसका पहला क्वेश्चन देखिए। फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 है। इसका डोमेन और रेंज आपको बताना है, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले जो डिनोमिनेटर में है एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12, इसका आप फैक्टर करेंगे। तो इसका फैक्टर कर लें तो एक्स स्क्वायर, एक तो हम ट्रिक से फैक्टर बता सकते हैं आपको, वो ट्रिक ये है जो कांस्टेंट टर्म लास्ट में कांस्टेंट है 12 प्लस है, ठीक। तो ये इसका जो इसका मतलब ये हुआ जो रूट्स आएगा सेम आएगा, ये बता प्लस बताता है जो दोनों मूल निकलेंगे वो माने क्या रहेंगे, सेम साइन के रहेंगे। और जो एक्स का कोफिशियंट अगर नेगेटिव है तो ये बताता है कि दोनों जो रूट्स आएंगे इस साइन के अपोजिट आएंगे, इस साइन के अपोजिट, इस चिन्ह के विपरीत रहेगा। तो यहाँ प्लस 12 लिखा हुआ है, यहाँ 8 है, सबसे पहले ये जानकारी है 6 और 2 में टूटेगा, तभी जाके 6 2 8 होगा, 6 दूनी 12 होगा। अब बात आती है प्लस 6 होगा कि माइनस 6 होगा, प्लस 2 होगा कि माइनस 2 होगा, इसके एक ट्रिक है, बाकी तो आप फैक्टर करके निकाल सकते हैं। तो ध्यान दें, तो हम जैसे जानें कि 6 और 2 में टूटेगा, और ये जो प्लस बता रहा है कि दोनों रूट्स जो होंगे एक समान, या धन धन हो या माइनस माइनस हो, और ये बता रहा है कि जो रूट्स होंगे इसके अपोजिट होंगे, ऋण है यहाँ पर, इसका मतलब स्टूडेंट प्लस होगा, तो ये रूट्स होगा 6 होगा 2 होगा, ठीक है। अब इसको फैक्टर के रूप में कैसे लिखा जाए, अब ऊपर तो लिख दिया जाए, फैक्टर रूप में हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 और डिवाइड बाई हो जाएगा क्या चीज़, फैक्टर में क्या हो जाएगा, एक्स माइनस 6 और एक्स माइनस 2। तो ये तीन लाइन लिखने की बचत हो गई, इसको समझिए। हम दो चार बार दोहराएंगे तो आपका अभ्यास हो जाएगा, बन जाएगा। मैं क्या किया, लास्ट में अगर प्लस साइन है जो रूट्स होंगे उसको सेम साइन के होंगे, या तो प्लस प्लस या माइनस माइनस। फिर बीच वाला जो एक्स का कोफिशियंट है वो अगर निगेटिव है तो जो रूट्स आएंगे वो इसके चिन्ह के विपरीत रहेगा। माइनस है तो दोनों रूट्स जो हैं, माने दोनों रूट्स मतलब नहीं, इसके जो रूट्स रहेंगे इसके चिन्ह के विपरीत रहेगा। माइनस है तो रूट्स क्या होगा, प्लस प्लस में हो जाएगा, प्लस होता तो रूट्स माइनस माइनस में हो जाता, इतना ध्यान रखना है आपको। तो यहाँ पर प्लस था तो 6 और 2 में किया हमने, ठीक है। तो ये 6 ये बता रहा कि माइनस है तो आप प्लस में कहिए रूट्स इसके अपोजिट, तो प्लस पर, तो 6 और 2 ये रूट्स हुए। अब फैक्टर में कैसे लिखा जाए, एक्स माइनस 6 इंटू एक्स माइनस 2, ठीक है, इस प्रकार से। और नहीं तो आप फैक्टर पूरा करेंगे तो लिखेंगे एक्स स्क्वायर 6 और 2 में तोड़ेंगे 6 प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 12 एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2x प्लस 12, ठीक है। अब कामन लेंगे तो x कामन तो x माइनस 6, 2 कामन तो x माइनस 6 हो जाए, दोनों से कामन तो x माइनस 6 कामन तो x माइनस 2 कामन, ये फैक्टर जाके निकला। आइए आप देख कर ही बता दिए तो इसको समझिए, ठीक। ये हो गया एफ एक्स, एफ एक्स को हम y भी मान सकते हैं। अब ध्यान रखें डोमेन, पहले डोमेन बताते हैं। तो डोमेन ध्यान दीजिए, अगर डिनोमिनेटर में 6 लिख दिया जाए, 6 हो जाएगा तो ये पूरा 0 बना देगा नीचे। अब नीचे 0 हो जाएगा तो ये अनडिफाइंड हो जाएगा, ठीक है। इसी पर अगर x में 2 रख दिया जाए तो ये 0 बना देगा, तो पूरा अनडिफाइंड हो जाएगा। तो यही स्टूडेंट नहीं रख सकते, आप लोग जानते भी हो, है ना। तो इसका मतलब इसका जो डोमेन हो गया, डोमेन हो गया वो गया x बिलोंग टू, सम्मिलित है x, उसका अवयव है इसमें टोटल रियल नंबर, ये रियल नंबर का चैप्टर चल रहा है, मानी समझे रियल में रहता है, यहाँ लिखा भी जाए जहाँ एक्स बिलोंग टू रियल नंबर, ऐसा भी लिख सकते हैं। तो ये हो गया एक्स बिलोंग टू आर माइनस, क्या कह नहीं सकता, 2 नहीं हो सकता, 6 नहीं हो सकता, तो 2 और 6 को एक सेट के रूप में रख देंगे और ये रियल नंबर से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। इसका मतलब ये हुआ पूरे वास्तविक संख्या में 2 और 6 को छोड़ करके पूरा वास्तविक संख्या जो होगा वो इसका क्या हो जाएगा, डोमेन हो जाएगा। ये स्टूडेंट आंसर हुआ, ठीक है, ये डोमेन हुआ, आंसर डोमेन का। अब इसी का रेंज निकालना है आपको। अब रेंज की देखिए, रेंज निकालने के लिए ध्यान रखें, सबसे पहले एक्स को वाई के फॉर्म में बदलना होता है। अब यहाँ पर फंक्शन एफ एक्स बराबर इतना लिखा हुआ है ना, तो इसको हम y के बराबर मान लिए। अब हम x को y के पद में ले चलने के लिए हम पहले y माने, फिर बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, गुणा करेंगे, फिर इसमें हमको
है ना, वो सूत्र लगाना पड़ेगा, कौन सा श्रीधराचार्य, डिटरमिनेंट, वो डिस्क्रिमिनेंट लगाना पड़ेगा, है ना, डिस्क्रिमिनेंट, उसको जरा समझिए। तो रेंज निकालने के लिए क्या करते हैं, वाई बराबर एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वन डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर माइनस एट एक्स प्लस ट्वेल्व, ठीक है। अब वाई क्रॉस मल्टीप्लाई तो क्या हो जाए, एक्स स्क्वायर वाई माइनस एट एक्स वाई प्लस ट्वेल्व वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वन। अब एक्स के समान पावर वालों को एक तरफ करेंगे, एक्स स्क्वायर को, एक्स को जितने भी हो सबके एक तरफ कर लेंगे। अब ये इधर आ रहा है, एक्स स्क्वायर कामन हो जाएगा तो हो जाएगा कितना, वाई माइनस वन इंटू एक्स स्क्वायर, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना रहे हैं एक्स के पावर में, फिर माइनस ये है अपना, फिर एक्स है, ये एक्स हो जाएगा, इधर आएगा माइनस हो जाएगा, तो उसमें दो कामन भी हो जाएगा लेना चाहें तो, है ना। तो अगर हम दो कामन लेते हैं तो दो या ना कामन लीजिए, कोई आवश्यकता नहीं है करने के चलिए, जिससे आपको सरलता रहे। तो एक्स निकालेंगे तो ये होगा एट वाई, यहाँ से मिला ये इधर आएगा तो माइनस होगा, ठीक है स्टूडेंट। और हम कोष्टक कर देते हैं, दोनों माइनस रहेंगे तो इसलिए प्लस हो जाएगा, टू करके अब बाहर लिख देते हैं एक्स, इसको गौर करिएगा, है ना, ये माइनस हुआ तो माइनस का प्लस बन जाएगा, करेक्ट है। फिर इसके बाद ये देखिए, ये अब ये ट्वेल्व वाई और ये वन है, ये इसके साथ लगा देंगे। कहने का मतलब हम एक्स में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाते हैं, बराबर जीरो हो गया, ठीक, क्योंकि हमको वाई की वैल्यू चाहिए। अब वाई ही हमारा रेंज होता, आप जानते हो एक्स हमारा डोमेन होता है, वाई हमारा रेंज यानी परिसर होता है, ठीक। क्या कहते हैं हिंदी में इसको, प्रांत और परिसर भी कहते हैं, सब लोग जानते हो। तो देखो अब स्टूडेंट, यहाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। हम लोग जानते हैं रियल नंबर प्राप्त करने के लिए इसका जो डिस्क्रिमिनेंट होता है वो ग्रेटर देन आर इक्वल जीरो होना चाहिए। और डिस्क्रिमिनेंट का मतलब क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी ग्रेटर देन आर इक्वल जीरो, तभी रियल होता है, वास्तविक होता है, ये आप जानते हो। अब यहाँ ये आपका ए होगा, है ना, ये वाला इतना बी होगा और ये सी होगा, ठीक, ये वाला बी लिख देता हूँ यहाँ पर, ये सी होता है, सब जानते हो। बी का स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर, है ना, तो ये माइनस है, वर्ग लगाएंगे प्लस बन जाएगा, इसका वर्ग कर लीजिए। तो इसमें दो कामन चाहे करते जाएं तो दो कामन कर लेंगे, दो का वर्ग चार ये लिख दिया, फिर ये हो जाएगा कितना कि फोर वाई प्लस वन का होल स्क्वायर, ऐसा हमने कर दिया, माइनस फोर ए, ए मतलब ये हुआ कितना है ये वाई माइनस वन, सी सी मतलब ये होगा ट्वेल्व वाई माइनस वन ग्रेटर देन आर इक्वल जीरो, ये हुआ। अब देखिए फोर फोर तो डिवाइड कर दीजिए कट जाए, उधर जीरो ही है कट जाएगा। अब इसको आपको खोलना पड़ेगा, तो इसको खोलिए इसको, तो सिक्सटीन वाई स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर प्लस टू ए बी यानी एट एट वाई, इसको भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये माइनस है तो एक बार आप चिन्ह पोस्टर लगा दें ताकि साइन में गलतियाँ ना होने पाए चिन्ह में, है ना। तो बारह ही हो जाए ट्वेल्व वाई स्क्वायर, इसका गुणा यहाँ किया, यहाँ किया माइनस वाई हो जाएगा, और जब इसको करेंगे तो माइनस ट्वेल्व हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा ट्वेल्व मिलके और वाई मिलके थर्टीन वाई हो जाएगा। ध्यान दीजिए माइनस वाई या माइनस ट्वेल्व वाई माइनस थर्टीन वाई। अब ये माइनस वन का माइनस में करूँ तो प्लस वन हो जाएगा, ये ग्रेटर देन आर इक्वल जीरो, ठीक है, क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट जानते हो रियल लाना है तो इसको जीरो से बड़ा बनाना है। चलिए इसके बाद खोल दीजिए, अब खोलते भी जाइए इससे सबट्रैक्ट भी करते जाइए, माने बारह वाई स्क्वायर सोलह तो घट जाए कितना फोर वाई स्क्वायर, ये हो जाएगा। अब इसको देखिए ये माइनस माइनस प्लस और आठ ही हो जाएगा, तो तेरह आठ इक्कीस होता है, इक्कीस वाई हो जाएगा। फिर ये माइनस और ये प्लस है तो माइनस बना देगा माइनस वन, ठीक है, ग्रेटर देन आर इक्वल जीरो, ये हो गया आपका जाकर, ठीक है स्टूडेंट। अब इसका आप ध्यान रखें, इसका आप क्या बना लेंगे, फैक्टर बना लेंगे, है ना, गुणनखंड बना लेंगे, तभी तो जाके आप आएगा। अब इसका फैक्टर बनाने के लिए परफेक्ट स्क्वायर बना लीजिए, या इसमें आप श्रीधराचार्य चिन्ह लगा सकते हैं, है ना, वैसे करके लगा लेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए इसको खोल सकते हैं इसको, जैसे इक्कीस चार का नाम चार, इस प्रकार से होना चाहिए कि बीच में तोड़ें तो इक्कीस आ जाए और वैसे जो गुणा करने पर फोर बन जाए माइनस फोर आना चाहिए। तो इसमें आप अगर श्रीधराचार्य से लगाते हैं तो सहूलियत रहेगी, है ना, तो मैं वही कर दे रहा हूँ। तो ध्यान दो उसमें क्या होता है, y इज इक्वल टू तो माइनस बी होता है यानी माइनस ट्वेंटी वन, ठीक है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी का स्क्वायर, यानी बी का स्क्वायर मतलब कितना होगा इक्कीस से कैसा हम चार सौ इकतालीस बी स्क्वायर हो गया, ठीक है, माइनस प्लस बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, तो माइनस यहाँ भी माइनस है तो प्लस हो जाएगा फोर, और फोर ये है तो चार चौको सोलह हो जाएगा,
अपान टू ए, टू ए का मतलब चार दूनी आठ हो जाएगा, टू ए ये हो जाएगा, ठीक, ये इतना हो जाएगा। ये क्या निकाले, वाई की वैल्यू निकाल दिए। अब इसको हल कर लीजिए, अब इसको हल करेंगे तो इसका आंसर स्टूडेंट आ जाएगा, ठीक। तो इसके बाद ये आप इसको पूरा कर लीजिए तो वाई की जो वैल्यू आ जाएगी वही इसका क्या हो जाएगा, रेंज होएगा आएगा। अब मैं अगला सवाल चलता हूँ, इसको तुम लोग कर लेगा। अब क्वेश्चन नंबर दूसरा देखो, क्वेश्चन नंबर दूसरा है, फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन का अंडर रूट। ये इसमें देखिए इसका को क्या बताना है, डोमेन और रेंज बताना है। तो ध्यान दें ये पूरा एंगल है ना, इनवर्स लगा दे, पूरा एंगल है, पूरा कोण है जिसको वाई कहेंगे, है ना, मतलब रेंज है। और जो ये पूरा रेंज हो गया तो ये अंदर वाला ये पूरा डोमेन होगा, ठीक है, ये आपका क्या होगा, डोमेन। अब पूरा क्या हो जाएगा, रेंज, क्योंकि पूरा इनवर्स है, कोण है, और वही पूरा वाई के बराबर होता है, और वाई को ही रेंज कहते ही हैं। ध्यान दें तो सबसे पहले अंदर वाले को सॉल्व करें, तो अंदर वाले कैसे सॉल्व करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन है, इसका फैक्टर बनाइए, मैंने परफेक्ट स्क्वायर बना लीजिए जिससे फैक्टर बन जाए, है ना, तो कैसे पूर्ण वर्ग बन जाए। तो ध्यान दें एक्स स्क्वायर प्लस टू इंटू ए में एक्स मानेंगे, बी में कितना लिखेंगे, एक बटर एक्स दो लिख देंगे, तब तो कट कितने आ जाएगा, प्लस इसी का वर्ग यानी एक बटर फोर हो जाएगा। इतने जोड़ा तो इतने घटाने पड़ेगा, एक एक ही है, एक बटर चार घटा दीजिए, ठीक। पहले ये काम कर लीजिए कि कितना यहाँ से यहाँ तक आपका हुआ, ये यहाँ से यहाँ तक कितना हुआ, एक्स प्लस हाफ यानी एक बटर दो का होल स्क्वायर हो गया। आइए चार एक अन्नम चार में घट जाएगा, ये कितना होगा, तीन बटे चार हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन हो गया, ठीक। अब इसी का अंडर रूट भी करना है, क्योंकि अंडर रूट भी इसमें दिया हुआ है ना, ये हो जाएगा। तो अब ये समझिए इसमें से क्या करना होगा कि इसका हमें इसलिए इसने पूरा निकालना होगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन का अंडर रूट लेना होगा, तो इधर भी अंडर रूट लेना होगा, यानी एक्स प्लस एक बटा दो का होल स्क्वायर प्लस तीन बटे चार का अंडर रूट लेना। अब इसमें से डोमेन निकालने के लिए ध्यान दीजिए क्या काम करना होगा। सबसे जैसे जानते हो ये जो वर्ग है, वर्ग कभी भी निगेटिव नहीं होता, इसका मतलब होगा एक्स प्लस एक बटे दस का होल स्क्वायर ये क्या होगा, ग्रेटर देन आर इक्वल जीरो, सही है स्टूडेंट, यहाँ से लेकर चलना होगा। ध्यान दीजिए ये कोई भी वर्ग है वो जीरो से कभी कम नहीं होता, ज़्यादा ही होता है, ये लिख दिया। अब इसमें कहता क्या है, तीन बटे चार और लगाना है, तो अगले में हो जाएगा एक्स प्लस एक बटे दो का होल स्क्वायर प्लस थ्री बाई फोर, इधर जोड़े हैं उधर भी जीरो में जोड़ेंगे, तीन बटे चार हो जाएगा स्टूडेंट। फिर कहता है अंडर रूट लगाइए, यानी एक्स प्लस एक बटे दो का होल स्क्वायर प्लस तीन बटे चार का अंडर रूट हो जाएगा, तो ग्रेटर देन आर इसका अंडर रूट करेंगे तो रूट तीन का रूट तीन हो जाएगा, और चार का वर्गमूल दो हो जाएगा, इतना हो जाएगा। और इधर लेस लगा है, इसका मतलब कम से कम रूट तीन बटा दो है ना एक्स की वैल्यू, क्योंकि यही डोमेन है, इतना जो निकल रहा है, अब पूरा ही रेंज हो जाएगा, ठीक है, ये हुआ। अब इसको इसकी आगे देखिए, क्योंकि जैसे आप जानते हो साइन का जो मान होता है, साइन एक्स का मान कहाँ से कहाँ तक होता है, माइनस वन से ले करके प्लस वन तक होता है, और ये पूरा इनवर्स है यानी पूरा एंगल है। जब ये पूरा एंगल है तो ये उसका क्या वैल्यू होगा, इतना वैल्यू होगा, तो ये मान कितना होगा, माइनस वन से ले कर प्लस वन तक जाएगा, तो मिनिमम मान तो रूट तीन बटे दो दे दिया, अब अधिकतम मान कितना हो जाएगा बता सकते हैं, इसका अधिकतम मान, अधिकतम मान इसका हो जाएगा एक, क्योंकि अधिक से अधिक एक ही तो जाएगा, है ना। तो इससे ये सीख मिलती है इसका न्यूनतम मान कितना हुआ, रूट थ्री बाई टू, और इसका अधिकतम मान एक, और इक्वल भी लगा है इसलिए क्लोज इंटरवल भी लग जाएगा, थोड़ा समझिए, इधर भी लगा दीजिए। ये क्या चीज़ होगा, ये आपका डोमेन होगा, अर्थात यक्स बिलोंग कह सकते हैं, यहाँ डोमेन लिख देते हैं, इसको फिर समझिए, है ना, क्योंकि ये आपका जो वर्ग हुआ स्क्वायर हुआ जीरो से बड़ा होता है, उसमें थ्री बाई फोर एड करेंगे, क्योंकि उसमें प्रश्न ही कहा रहा है उसमें जोड़ने को, ये हो गया अंडर रूट लगा दिए, इतना हो गया, तो मिनिमम वैल्यू हो गई। अब इसकी बात आती है अधिकतम वैल्यू फिर कितनी होगी, तो आप जानते हैं साइन एस की अधिकतम वैल्यू वन होती है और न्यूनतम वैल्यू माइनस वन होती है। अब यहाँ से पता चल रहा है ये न्यूनतम वैल्यू है, और ये पूरा क्या चीज़ है, ये आप ध्यान दीजिए साइन की वैल्यू ही है, क्योंकि जैसे ध्यान दीजिए, जैसे अगर साइन एक्स लिखा है इसका मतलब ये पूरा हमारा रेंज है ना, वैल्यू है, मान है, एक्स इसमें क्या है, एक्स एंगल है, यहाँ पर एक्स एंगल है, अगर ये इनवर्स लग जाए तो ये पूरा हमारा एंगल है, तो जब पूरा एंगल है तो ये हमारा क्या हो, ये हमारा वैल्यू है,
वैल्यू किसकी वैल्यू, जिस फंक्शन का हो, तो ये वैल्यू साइन का है, फंक्शन साइन का है, तो साइन का न्यूनतम और अधिकतम मान आप लोग जानते हो कि माइनस वन से प्लस वन होता है, इसलिए अधिकतम मान वन होगा, इसलिए ये न्यूनतम मान यहाँ से मिला और अधिकतम मान एक हो गया, इसलिए इसका डोमेन जो होगा रूट थ्री बाई टू से वन तो होगा, यही यार आंसर हुआ डोमेन का। इसको ध्यान रखिए, ठीक समझिए, जहाँ ना आवे आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिए। फिर अगला देखिए, इसी का हम आपको रेंज बताने जा रहे हैं, अब ज़रा रेंज समझिए। रेंज प्यारे बच्चों ध्यान दो, ये सबसे कम मान है या अधिक मान है ना साइन का, तो इसका मतलब इसको हम लिख कैसे सकते हैं, यानी रूट थ्री बाई टू लेस देन आर इक्वल, अभी काहे का मान है, ये मान आपका ये यूनिवर्स का इसका है ना रूट वाले का, यानी यक्स स्क्वायर प्लस यक्स प्लस वन का अंडर रूट, ये हुआ, और लेस देन आर इक्वल वन, इसको समझिए आप लोग, क्योंकि ये जो है पूरा वैल्यू है, रेंज है, तो ये उसका क्या होगा, ये उसका क्या होगा, ये उसका डोमेन होगा, जब पूरा वो रेंज है तो। अब ये डोमेन ही काम कर रहा है, ये डोमेन डी, ये डोमेन कहाँ से कहाँ तक जाए, कम से कम ये है, अधिक से अधिक ये है, तो हमने लिख दिया इसी से देख करके, है ना। अब इसको समझिए, इसमें हम साइन इन्वर्स लगाने जा रहे हैं, क्योंकि पूरा मान निकालने जा रहे हैं वाई का, तो सब तरफ साइन लगा देंगे, तो साइन इन्वर्स रूट थ्री वाई टू यहाँ भी लग गया, और लेस देन आर इक्वल साइन इन्वर्स अंडर रूट यक्स स्क्वायर प्लस यक्स प्लस वन, ये लिख दिया इसे कोष्टक करके, फिर लेस देन आर इक्वल साइन इन्वर्स वन लिख दिया। अब इसको ध्यान दो, वन ये हम क्यों लगाए हैं साइन इन्वर्स, क्योंकि हमारा फंक्शन ही इन्वर्स का है, ठीक। इसके बाद देखिए, अब आप सोचिए इन्वर्स रूट थ्री बाई टू एंगल है पूरा, किस एंगल का है ये, आप जानते हो 60 डिग्री का है, पाई बाई थ्री कहेंगे, ये साइन इन्वर्स वन पूरा एंगल है, किस एंगल का है, आप समझते हो ये 90 डिग्री का है, ये पूरा एंगल हुआ और ये उसकी वैल्यू हुई वन, है ना, समझिए, जैसे पूरा एंगल हुआ, ये इसकी वैल्यू हुई, इसको गौस समझोगे तो सारी बात समझ में आ जाएगी। तो ये जब एंगल हुआ पूरा, ये पूरा एंगल कितने का होगा, पाई बाई थ्री लेस देन आर इक्वल, और ये पूरा क्या है, ये दिया गया प्रश्न है, क्या है ये वाई माने थे या एफ एक्स माने थे, यहाँ वाई लिख दिया जाए, लेस देन आर इक्वल ये क्या होगा 90 होगा, ठीक है स्टूडेंट। इसका मतलब ये हुआ कि जो रेंज हुआ है ना, रेंज हुआ वो क्या हुआ, रेंज हुआ पाई बाई थ्री से पाई बाई टू तक क्लोज्ड इंटरवल रहेगा, यही आंसर हुआ, यही रेंज हुआ, ठीक है स्टूडेंट, समझिए, बहुत ही अच्छा ही क्वेश्चन है, इसको कंपटीशनों में कई जगह ये आया हुआ है, इसको ध्यान से समझिए। अब अगला क्वेश्चन बताया जाओ, क्वेश्चन नंबर तीसरा, अब थोड़ा ध्यान दें, जैसे x माइनस टू है डिवाइड बाई थ्री माइनस x है, अभी ग्रेटर देन r इक्वल जीरो है, इसका आपको डोमेन बताना है और रेंज बताना है, ठीक। तो देखिए, अब इसका डोमेन और रेंज आप बताने के, सबसे पहले ध्यान दिए, हम आप इसके पिछले वीडियो में वेवी कर्व मेथड बताए थे, उसमें ये कहे थे पहले तो दिए गए फंक्शन को फैक्टर में बना लेते हैं, अगर फैक्टर खुद ही बना हुआ है तो ये देखते हैं यक्स का जो कोफिशियंट है वो प्लस वन बनाते हैं, अगर माइनस में है तो माइनस वगैरह कामन करके निकाल लेते हैं, उसमें कोई डिजिट्स भी लिखी है तो कामन करके उसको निकाल देते हैं, यक्स का गुणांक प्लस वन हर कीमत पर बनाते हैं, चाहे वो न्यूमेरेटर में हो चाहे वो डिनोमिनेटर में हो। यहाँ पर ध्यान दें, न्यूमेरेटर तो प्लस वन है लेकिन डिनोमिनेटर में स्टूडेंट माइनस वन है, इसको हटाना चाहते हैं तो माइनस कामन ले रहे हैं, तो चलिए यक्स माइनस टू, अब कामन ले माइनस ले लेंगे, ये माइनस कामन हो गया, यक्स माइनस थ्री हो जाएगा, है ग्रेटर देन आर इक्वल जीरो। अब इसके बाद स्टूडेंट जानते हो इनइक्वालिटी में जिसको असमिका कहते हैं, अगर साइन माइनस से मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें तो इनइक्वालिटी का चिन्ह बदल जाता है, ग्रेटर रहे तो लेस और लेस रहे तो ग्रेटर, तो क्या हो जाएगी ये यक्स माइनस टू, अभी यक्स माइनस थ्री माइनस लगा रहे गुणा करने पर जो ग्रेटर है वो लेस बदल गया, अभी जीरो में ऋण का गुणा कराएंगे तो जीरो होता है, इतने हो जाते हैं, ठीक है ये हो गया। अब इसके द्वारा आप देखें इस प्रकार लाइन खींच दीजिए, है ना, ध्यान दीजिए, नंबर लाइन बेबी कर्व में थे बताए थे आपको, हम इसमें क्रिटिकल पॉइंट ढूंढते हैं, जो फैक्टर बनता है उसी बराबर जीरो कर दे वही क्रिटिकल पॉइंट होता है, हिंदी में उसको क्रांतिक बिंदु कह देते हैं। तो इसको जीरो करोगे एक्स माइनस टू को, जैसे आप एक्स माइनस टू बराबर जीरो करोगे यहाँ से क्या मिलेगा एक्स माइनस टू, ये क्रिटिकल पॉइंट मिल गया, इसको जीरो करोगे तो एक्स बराबर थ्री, यही दो क्रिटिकल पॉइंट मिल गए, इन्हीं दोनों पॉइंटों को या इससे ज़्यादा भी जो भी हों उनको नंबर लाइन में रखा जाता है, फिर वहाँ से पॉइंट निकालते हैं, इंटरवल निकालते हैं, वही हमारा डोमेन हो जाता है, ध्यान दें। तो ये दो हुआ, दो पहले है यहाँ लिख देंगे, तीन बाद में लिखेंगे, है ना जी। फिर जैसे बताया था ये कर्व के मेथड का ये रूल है कि राइट तरफ से पॉजिटिव साइन से लेके चलते हैं, ठीक है प्लस लिखा, फिर आपको बताया थे अगर
फैक्टर जो है आठ पावर है तो साइन अपोजिट चलता है, प्लस फिर माइनस फिर प्लस, इस प्रकार से। अगर फैक्टर हमारा इवन पावर का है तो सेम साइन चलता है, जैसे रहे ये प्लस है अगला भी प्लस हो जाता, ठीक। फिर अगर अपोजिट ऑड है तो फिर साइन अपोजिट हो जाता, एक सब बताया गया आपको, ध्यान दें। तो ये तीन में देखें, ये जो पावर है कोफी एक है जो ऑड है इसलिए प्लस के आगे यहाँ पर माइनस, फिर ये भी है ऑड का तो ये माइनस, फिर आगे प्लस, ठीक है स्टूडेंट, ये ध्यान दें। अब आपको एक तरीके बताए थे, वैसे भी आप जान लें कि क्या नीचे तीन रख सकते हो यक्स में, अगर तीन रख दोगे थ्री माइनस थ्री जीरो बन जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा, क्योंकि सब लोग जानते हो वन अपान जीरो क्या होता है, इनफाइनाइट, अपरमित हो गया, अनडिटर्मिनेट फॉर्म हो गया, ऐसा तो लाना नहीं है यहाँ पर। इसे तीन तो किसी कीमत पर नहीं हो सकती, इसे सब लोग जानते हैं ओपन इंटरवल, क्योंकि ओपन का मतलब वो डिजिट उसमें नहीं रखना है, इसीलिए एक नियम बना दिया गया अगर डिनोमिनेटर में कोई फैक्टर है वो हमेशा ओपन इंटरवल में रहेगा, तो इसलिए हम ओपन को इस पर गोला लगा देते हैं छोटा सा, इसका मतलब तीन नहीं रखना है, ठीक है। और हमको जीरो से कम लेना है, क्योंकि बता रहा है लेस, इधर लॉस है, तो जीरो से कम किस में मिलेगा, निगेटिव मिलेगा, तो दो से तीन के बीच में आएगा, बशर्ते दो तो हो सकता है लेकिन तीन नहीं होता, इस कारण से नहीं होगा। इसलिए इसका जो डोमेन होगा यानी यक्स बिलोंग टू क्या होगा, टू तो क्लोज इंटरवल चलेगा क्योंकि इक्वल भी लगा हुआ है, लेकिन थ्री में स्टूडेंट आप क्लोज नहीं लगा सकते क्योंकि डिनोमिनेटर में है, इनफाइनाइट रूप ले लेगा, इसलिए ओपन चलेगा, यही इसका क्या हो जाता है, डोमेन हो जाएगा, ठीक है, इस प्रकार से डोमेन। अच्छा, इसी प्रकार से इसका आगे भी देखेंगे, है ना, आगे के क्वेश्चन है ना, इसी प्रकार से इसका रेंज भी निकाल सकते हैं आप लोग, है ना, रेंज निकालेंगे वो भी हम आपको बता देंगे। अब हम क्वेश्चन नंबर चौथे को चल रहे हैं, फिर इसका रेंज देखिएगा, क्वेश्चन नंबर चार। अब क्वेश्चन नंबर चार है, फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू यक्स माइनस टू डिवाइड बाई थ्री माइनस, यही है क्वेश्चन, इसी टाइप का है। इसका भी हमें क्या बताना है, डोमेन और रेंज बता दीजिए, दोनों हो जाएंगे, ध्यान दें। तो इसमें देखते ही पता चल रहा है इसका जो डोमेन होगा वो क्या होगा, है ना, यहाँ से लग रहा है कि तीन बार हटा दिया जाए बस, है यक्स माने आर माइनस थ्री हो जाएगा, इक्वल है ही है ये, है ना। अच्छा, यहाँ कोई इनइक्वलिटी तो दिया नहीं है कि ग्रेटर इक्वल लगा है तो इंटरवेल में चले ये, इसको समझिए। जैसे इसके पहले इस वाले क्वेश्चन में ग्रेटर इक्वल लगा है, तो हम जब ग्रेटर इक्वल लगा है तो यहाँ से हमको पता चल गया कि हमको जीरो से कम रखना अगर निगेटिव रखना है, लेकिन यहाँ ग्रेटर इक्वल तो लगा नहीं है, है ना। तो हमें फिर इसको तो हम सीधे कहेंगे कि भाई तीन भर इसमें नहीं हो सकता, तीन रख देंगे तो क्या हो जाएगा, ये इनफाइनाइट हो जाएगा। तो इसको देखते ही पता चल जा रहा है कि जो इसका डोमेन होगा जो इसको एक्स कहते हैं, एक्स बिलोंग टू आर माइनस थ्री, ये कह देंगे, ठीक है, तीन के अलावा सभी जो है इसके डोमेन हो जाएंगे, ठीक। अब बात आती है रेंज की, तो इसको ध्यान रखिए, ये आप इसमें ऐसे ही लगाइए, क्योंकि अगर आप उसमें से लगाते हैं वेवी कर्व मेथड से, तो हमने कहा माइनस अब निगेटिव हटाना है तो माइनस कॉमन लेना है, तो वो तो कर लेंगे, लेकिन स्टूडेंट ध्यान रखें ग्रेटर इक्वल नहीं लगा है तो किस टर्म में जाए, किस पार्ट में उसको माना जाए, इस वाले में कि इस वाले में कि इस वाले में, है ना। तो इसलिए उसमें दिक्कत होगी, यहाँ पर इक्वल नहीं लगा है माने इनइक्वलिटी नहीं लगी है, इक्वल लगा है तो यही सबसे बेस्ट तरीके तो सीधे देखने में आ जाता है, समझिए आगे। फिर इसका रेंज देखिए, अब रेंज बताना है इसका, तो स्टूडेंट ध्यान दें, इसका रेंज आपको यहाँ ये वाई मानेंगे ना, वाई इज इक्वल टू एक्स माइनस टू डिवाइड बाई थ्री माइनस एक्स, तीरे गुणा करा दीजिए तो कितना हो जाएगा, थ्री माने एक्स को वाई के टर्म में ले चलना है, हमेशा एक्स एक तरफ रहे लेफ्ट में रहे, वाई राइट तरफ रहे, तो ये हो जाएगा थ्री वाई माइनस एक्स वाई, थ्री वाई माइनस एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स माइनस टू हो गया। अब हम यक्स को एक तरफ कर लें तो ये माइनस है, इसी उधर कर लेते हैं, वाई दू उधर ला लेते हैं, तो थ्री वाई प्लस टू हो जाएगा, ये उधर जाएगा तो यक्स कामा ले लेंगे तो वन प्लस वाई हो जाएगा। तो यक्स को वाई के टर्म बदलना है तो यक्स एक तरफ कर लेंगे और वाई को भाग लगा देंगे तो थ्री वाई प्लस टू डिवाइड बाई वाई प्लस वन कहें चाहे वन प्लस वाई कहें तो ये वाई प्लस वन कहें। अब स्टूडेंट यहाँ आप देखिए वाई का, अच्छा वाई ही रेंज होता है,
तो वाई देख रहे हैं, वाई में आप अगर माइनस वन रख दोगे तो ये अनडिटरमिन्ड फार हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा, इसलिए वाई की वैल्यू वाई नॉट इक्वल माइनस वन, माइनस वन नहीं रह सकते। तो यही हटा करके बाकी सब इसका रेंज हो जाएगा, इसलिए जो रेंज होगा, रेंज जिसको आप लोग क्या कहते हो, परिसर, ध्यान दीजिएगा हिंदी में भी परिसर जो होगा वो क्या होगा, परिसर रियल नंबर माइनस माइनस वन, ठीक है, माइनस वन एलिमेंट को रियल नंबर से हटा दिया जाए, माइनस में मतलब इसको से निकाल दिया जाए, तो बाकी जितने भी वास्तविक बनेंगे जिसमें परिमेय अपरिमेय सभी प्रकार की संख्याएं तो आती रेशनल इरेशनल है ना आती हैं, वो सब जो है रेंज में आएगा, परिसर माना जाएगा। तो इस प्रकार से ये इसका आंसर हो गया, ये डोमेन था या रेंज हो गया। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आ रहा है, चलते चलते आइए, बहुत उदाहरण देंगे, अब सब समझ में आ जाएगा, कोई समस्या नहीं आने पाएगी। फिर अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन बताने जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ नंबर देखिए, फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू वन अपान एक्स माइनस फाइव का रूट है ना, ये दिया हुआ है, तो डोमेन और रेंज आपको बताना है, ध्यान दें इसको ठीक से। सबसे पहले प्रश्न को देखते ही पता चल रहा है कि यक्स में अगर फाइव लिख दिया जाए तो अनडिटरमिन्ड फॉर्म हो जाएगा, इस वही इसका डोमेन में नहीं रहना चाहिए, यानी यक्स का मान पाँच नहीं होना चाहिए। तो सीधे ये प्रश्न समझ में आ गया कि डोमेन जो हो गया यानी यक्स बिलोंग टू आर माइनस फाइव, ठीक है, ये तो तुरंत समझ में आ गया। ठीक है, अब इसके बाद आती है रेंज निकालने की, रेंज बताना है तो प्यारे बच्चों ध्यान रखो, यक्स को वाई के फार्म में बदलना होता है, तो जो यह फंक्शन दिया रहे या फिर उसको वाई के बराबर मान लेना चाहिए। चलिए रेंज बताने की, फॉर रेंज वाई इज इक्वल टू वन अपान यक्स माइनस फाइव का रूट कर रहे हैं, अब रूट हटाना है तो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो लिखेंगे वाई स्क्वायर इज इक्वल टू वन अपान यक्स माइनस फाइव करेंगे। ठीक, फिर हम बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, तो एक्स वाई स्क्वायर माइनस फाइव वाई स्क्वायर, ठीक है, एक्स वाई स्क्वायर माइनस फाइव इक्वल टू वन, एक्स को एक तरफ करेंगे वाई के उप तरफ करेंगे, ये लिखेंगे एक्स वाई स्क्वायर इज इक्वल टू वन प्लस फाइव वाई स्क्वायर, अब वाई स्क्वायर का डिवाइड करेंगे, वन प्लस फाइव वाई स्क्वायर डिवाइड बाई वाई स्क्वायर हो गया। ठीक है स्टूडेंट, ध्यान रखिए, तो अब बात आती है इसका रेंज बताने के लिए, जरा ध्यान रखें, वाई जो ये मान है अगर वाई में जीरो रख दिया जाए तो फिर इनडिटरमिनेंट फॉर्म में हो जाएगा, वाई अगर जीरो हो जाए तो कैसा हो जाएगा, वन अपान जीरो हो जाएगा, क्योंकि ऊपर कुछ भी गिनती हो इनफाइनेट बना देगा, जो कि अनडिटरमिनेंट फॉर्म हो गया, अनडिटरमिनेंट फॉर्म, अनिर्धारण रूप हो जाएगा, अपरिभाषित हो जाएगा, तो ऐसा आपको नहीं कर सकते, यहाँ पर वाई जीरो नहीं ले सकते, यानी वाई नॉट जीरो, वाई जीरो नहीं हो सकता। तो यही स्टूडेंट यहाँ पर रिजल्ट निकलता है कि आर में रियल नंबर में केवल जीरो हटा दिया जाए, बाकी जो बचेगा वो सब आपका रेंज हो जाएगा। इसके लिए रेंज इसका हो जाएगा, रेंज इज इक्वल टू आर माइनस जीरो, जीरो के अलावा जितना होगा सब जो होगा रेंज हो जाएगा, क्योंकि आप देख रहे हैं स्पष्ट हो यहाँ पर कि वाई का मान जीरो नहीं हो सकता। ठीक है, इस प्रकार से ये हो गया। फिर अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सिक्स देखिए, अगला है नाइन माइनस एक्स स्क्वायर का रूट, ये दिया हुआ है, इसको वाई के बराबर एफ एक्स लिख सकता है, हमने वाई लिख दिया यहाँ पर, इसका आपको डोमेन और रेंज बताने हैं। ठीक, इसको देखिए, तो जैसा ध्यान दीजिए, इसको जो रूट लगा है इसको कहते हैं बेसिक स्क्वायर रूट, क्या बोलते हैं, बेसिक स्क्वायर रूट, थोड़ा इसमें आपको सावधानी बरतनी है, बहुत सरल है, बेसिक स्क्वायर मतलब खुद रूट लगा है, हम लगाने अपने आप लगा है, इसमें ये रूट लगा हो ये वाई स्क्वायर बराबर नाइन माइनस एक्स स्क्वायर हो, इन दोनों फ़र्क है, ये इसमें फ़र्क है, ये खुद रूट लगा है, इसलिए हम कहते हैं बेसिक स्क्वायर रूट। एक ध्यान रखें, जब बेसिक स्क्वायर रूट लगा होता है तो उसमें जो क्या होता है, रेंज जो निकलता है वो ऑलरेडी पॉजिटिव होता है, कहने का मतलब एक नोट करके लिख दीजिए आप लोग, है ना, बेसिक स्क्वायर रूट, बेसिक स्क्वायर
रूट्स फंक्शन इज ऑलवेज बेसिक स्क्वायर रूट्स रूट्स फंक्शन इज ऑलवेज पॉजिटिव। इसको समझिए, ठीक है। तो मैंने ये बेसिक मतलब कि खुद रूट लगा हो, हम ना लगाए हो, जैसे यहाँ समझें कोई सोचे कि स्क्वायर हटा दें, अंडर रूट लगा दें, वो सेंस अलग होगा, अगर खुद लगा है अलग होगा। तो जिसमें बेसिक रूट लगा हुआ है वो ऑलरेडी पॉजिटिव होता है, उसका रीजन हम बताएंगे फंक्शन की डिफिनेशन से। जैसे फंक्शन जानते हैं ना, फंक्शन के विषय थोड़ा समझ लीजिए। जैसे हम एक फिगर बना लें, ठीक, अभी हम इसको समझा भी देते हैं। और देखिए अभी इसको बताने के लिए पहले आप ये इसको बाद में समझिए, पहले इसी समझिए, फिर डोमेन फिर बताता हूँ। इतना जो है बेसिक स्क्वायर रूट्स फंक्शन इज ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक। तो यहाँ इतना क्या चाहिए, ये पॉजिटिव होना चाहिए, क्यों चाहिए, पॉजिटिव, कि बेसिक स्क्वायर रूट खुद लगा हुआ है ये पॉजिटिव, तो मैं रेंज पॉजिटिव मैंने निगेटिव रेंज नहीं होगा, इतना समझे रहिए, फिर आगे बताता हूँ मैं। तो सबसे पहले डोमेन निकालिए, डोमेन बताना, तो डोमेन किसे कहते हैं, यक्स की वैल्यू को। तो यक्स कहाँ मिलेगा, रूट के अंदर वाला है ना, तो रूट के अंदर क्या होना चाहिए, ऑलरेडी पॉजिटिव होना चाहिए, क्योंकि अगर नेगेटिव कर दोगे स्टूडेंट तो क्या हो जाएगा, इमेजरी नंबर हो जाएगा, क्योंकि आप जानते हो अंडर रूट माइनस वन आई होता है, जिसको आयोटा कहते हैं। तो यहाँ तो इमेजरी रहना रखना नहीं है, यहाँ तो रियल नंबर बताना है, इसलिए ध्यान रखें डोमेन बताने के लिए आपको क्या कहना होगा, 9 माइनस यक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन आर इक्वल जीरो, क्लियर। फिर इसको ध्यान दें, इसका हम फैक्टर बना लें, है ना, तो फैक्टर बना लें, चाहे इसमें एक्स को पहले ला ले ज़्यादा सही रहता है, तो कह देते माइनस काम मान लेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस नाइन हो जाएगा। अब ये माइनस यहाँ लगा दीजिए, ये हो जाएगा, तो ये कहता है ग्रेटर देन आर इक्वल जीरो हो गया, ठीक है। अब माइनस से मल्टीपुल कर दीजिए, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस नाइन, जब माइनस से मल्टीपुल करेंगे तो आप जानते हैं इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है, तो जो ग्रेटर है वो लेस हो जाएगा, ये जीरो कर दिया, ठीक। इसमें आइए अब इसका फैक्टर भी कर लीजिए, जब फैक्टर करेंगे तो क्या होगा, x प्लस थ्री और x माइनस थ्री, ठीक, लेस देन आर इक्वल जीरो। नंबर लाइन सिस्टम से कर लीजिए, आसान रहता है, इससे क्रिटिकल पॉइंट तीन मिलेगा, इससे माइनस तीन मिलेगा, ये माइनस तीन और ये तीन हो गया, तीन पॉड हम डिवाइड हो गए। तो यहाँ से हम बेबी कर्व मेथड से राइट से पॉजिटिव लेके चलते हैं, प्लस साइन से प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, ये अल्टरनेटिव हम चलते हैं। अब ध्यान दें, आपको जीरो से कम बताना है ना, जीरो से कम निगेटिव होता है, इसका मतलब माइनस थ्री से प्लस थ्री वाला ये वैल्यू होगा, इसका मतलब जो डोमेन हुआ यहाँ पर है ना, डोमेन हुआ वो एक्स बिलोंग टू माइनस थ्री से थ्री, और इंटरवल कैसा होगा, क्योंकि इक्वल भी है और पूरा बंद हो जाएगा ना, क्योंकि तीन तक ले सकते हो, तो माइनस थ्री से प्लस थ्री, यही इसका आंसर होगा डोमेन हो। फिर इसके बाद आपको अब रेंज थोड़ा चाहिए, रेंज की वह सबसे इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि रेंज थोड़ा हार्ड हो जाता है बताने में, ध्यान दीजिए। तो रेंज मैं बताने जा रहा हूँ, सबसे पहले इसी में रेंज लिख देता हूँ, रेंज, ठीक, किसका रेंज बताना है, जो बेसिक स्क्वायर रूट, ध्यान दीजिए, बेसिक स्क्वायर रूट फंक्शन इज ऑलवेज पॉजिटिव, वाई इज इक्वल टू नाइन माइनस एक्स स्क्वायर का रूट, रूट मतलब बेसिक, इसलिए कह दिए खुद अपने आप लगा है, हम उसको लगाए नहीं है, प्रश्न में ही लगा हुआ है इसको बेसिस पर। अब हम इसको इस रूट हटाने के लिए स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू नाइन माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब एक्स वाई को एक तरफ कर लेता हूँ, आपको थोड़ा सा मुझसे बताऊँ कि मैं ये बताया हूँ कि एक्स को वाई के फार्म में कन्वर्ट कर लेंगे, तो कर लीजिए, इसको ला जाइए, एक्स इधर ला लिए उधर उधर जाएगा, तो क्या हो जाएगा, नाइन माइनस वाई स्क्वायर, ऐसा हो जाएगा, ठीक स्टूडेंट, ध्यान रखिए, ये हो गया। अब इसका फैक्टर बना लेंगे, अंडर रूट भी कर लेंगे, है ना, ध्यान दें। तो मान लिया हमने, चूँकि इसमें वर्ग है तो वर्ग हटाना है, तो अंडर रूट लगा देते हैं, ये से कर दिए। अब इसका भी फैक्टर करना है ना, तो क्या हो जाएगा, अब यहाँ पर क्या होगा, क्या होगा, थ्री प्लस वाई और थ्री माइनस वाई का अंडर रूट हो जाएगा। अब स्टूडेंट ये देखे देखिए आप लोग, जैसे इसमें से हम निकालेंगे, हमने ये कहा है कि इसके जो y की जो कोफिशियंट है प्लस रहना चाहिए, है ना, तो आप लोग यहाँ पर ध्यान दें, जैसे कि इसका हमें बताना है, तो नंबर लाइन को इसे, ये आप देखिए किस प्रकार ग्राफ है, अगर हम इसको एक तरफ ला लें, थोड़ा समझिए, यहाँ से इसके पहले इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू नाइन हो जाएगा, है ना। आप इसको नौ को आप तो तीन का स्क्वायर समझते हो, ठीक है, तीन मैं कैसा फंक्शन है, ये सर्किल है, ये पता है सर्किल फार्मूला जानते हो, तो सर्किल जरा ध्यान दो,
सर्किल कैसे बनता है, इस प्रकार सर्किल बनेगा। यहाँ तीन रेडियस माना जाएगा, ये सेंटर है, ये तीन रेडियस हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ देखिए आप लोग, जैसे कि यहाँ पर मान रखा जाए, अगर फंक्शन बताना है तो फंक्शन क्या होता है कि वाई के पैरेलल अगर लाइन खींची जाए, किसकी लाइन, वाई के पैरेलल खींची जाए, अगर एक्स के एक मान पर वाई के दो दो मान मिल जाएं तो वो फंक्शन नहीं होता। जैसे एक्स इतना मान, मान लो एक्स का कुछ है ए मान लिया जाए, तो ऊपर यहाँ भी कट करे यहाँ भी कटे, इसका मतलब फंक्शन इसलिए नहीं होगा क्योंकि आपको सेट में भी बताएं, ए भी बताए हैं कि अगर एक्स के एक मान है, एक्स का मान ए है, एक्स का कोई मान है अगर, तो अगर वो तीन से बिलोंग कर रहा है तो क्या वही एक्स का मान माइनस तीन से भी होगा? क्या इस ऊपर तीन है तो नीचे माइनस तीन हो सकता है, या ऊपर ए है तो नीचे माइनस ए हो सकता है? तो क्या एक ही लोग, हमारे लोग समझो, एक ही लोग या दो नाव से जा सकते हैं क्या? तो गलत हो जाएगा, नॉट फंक्शन, दिस इज नॉट फंक्शन। इसलिए स्टूडेंट ध्यान दें कि अगर ये सबसे इम्पॉर्टेंट तरीका ये है फंक्शन बताने के, अगर फिगर वाला बन जाए तो समझ में, फिगर नहीं आता तो आपको हम लोग और नाव का ट्रिक बताए हैं। अगर फिगर, जैसे ये फिगर समझ में आ गया कि सर्किल है, तो सर्किल में हम वाइन के पैरेलल खींचेंगे फंक्शन बताने के लिए, अगर वो दो बिंदुओं पर कटे, ऊपर भी और नीचे भी कटने लगे तो फंक्शन नहीं होगा। इसका मतलब ये होता है कि जो मैंने एक्स एच की जो नीचे वाला जो मान होगा वो फंक्शन में नहीं आएगा। तो यहाँ फंक्शन ये है बताना है, क्योंकि फंक्शन दिया ही है, प्रश्न ही प्रश्न फंक्शन है, इसका मतलब ये मान कहाँ से कहाँ तक जाएगा, ये चूँकि यहाँ ये भी रेडियस इतना है, कितना तीन होगा, इसका मतलब नीचे नहीं आने पाएगा, तो इसका जो रेंज होगा, आर ए रेंज जो होगा कितना हो जाएगा, जीरो से थ्री होगा, है ना, क्लोज इंटरवल होगा और ओपन नहीं होगा, क्लोज होगा। यही आपको समझना है, और ये फैक्टर से भी निकाल सकते, इससे भी कर सकते हैं। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट है यहाँ फंक्शन बता करके कि भाई ध्यान दें, अगर हम नीचे कर देते हैं तो एक्स के एक मान के लिए वाई के दो दो मान मिल जाएंगे, और इस पर फंक्शन नहीं होगा। अब यहाँ फंक्शन, चूँकि प्रश्न जो दिया है वो फंक्शन होता है, अभी तो उसका रेंज और डोमेन निकलने कि फंक्शन कोई दिया जाएगा उसका डोमेन और रेंज बताइए, तो नीचे वाला मान कट जाएगा, इसलिए हमको जीरो से ऊपर लेना होगा, नीचे वाला नहीं लेना होगा, ठीक है स्टूडेंट। अगला क्वेश्चन देखिए, इसके आगे अगला क्वेश्चन, इसी प्रकार से आपके और भी क्वेश्चन हैं, हम आपको इसमें और भी बताना चाहते हैं। मान लिया जाए इसमें ये है क्वेश्चन नंबर जो भी सातवां है, क्वेश्चन नंबर सेवन, वाई इज इक्वल टू लिखा है एक्स माइनस वन का रूट, ये है। तो इसका डोमेन देखिए, डोमेन बताना है तो रूट के अंदर वाला क्या, एक्स माइनस वन है, ग्रेटर देन इक्वल जीरो हो चाहिए, यानी एक्स ग्रेटर देन इक्वल वन, बस इसी पर चल गया। इसका मतलब ये हो डोमेन जो है एक से बड़ा कहाँ तक जाएगा, इन्फिनिटी तक जाएगा, यानी ये कम से कम एक और इन्फिनिटी, इन्फिनिटी लगा दिया ओपन रहेगा इन्फिनिटी हमेशा, इक्वल लगा है तो बंद लगा दीजिए इस प्रकार, यानी एक्स बिलोंग, इसका मतलब ये डोमेन जो होगा ये इसका आंसर हो जाएगा। अब बात आई रेंज बताने के लिए, अब रेंज बताना है तो आप ये ध्यान दीजिए, सबसे पहले स्क्वायर लगा देते हैं इसको, दिए गए फंक्शन का स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स माइनस वन। अब एक उधर ला लीजिए तो एक्स बड़ा हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस वन हो जाएगा, ठीक ये हो जाएगा। अब यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, जैसे y का, y की वैल्यू क्या होती है, y स्क्वायर इज ग्रेटर देन आर इक्वल जीरो, है ना, ये क्या होगा जीरो से कम नहीं होगा, जीरो से ज़्यादा ही होगा। और यहाँ पर ये ध्यान दीजिए, बेसिक स्क्वायर रूट फंक्शन है तो बेसिक स्क्वायर रूट हमेशा ऑलरेडी पॉजिटिव होता है, क्या होता है ऑलरेडी पॉजिटिव होता है, बेसिक स्क्वायर रूट क्या होता है ऑलरेडी पॉजिटिव होता है, ये ऑलरेडी पॉजिटिव हो गया, ठीक है ऑलरेडी पॉजिटिव हो गया। तो जब बेसिक ऑलरेडी पॉजिटिव, तो ये वाई पूरा वाई ना है, ये मान क्या हो हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए, तो यहाँ पर निगेटिव आने प्रश्न ही हो नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब ये होता है भले ही वन लिखा हो, हमें वन से नहीं चलना, हमको जीरो से बताना होगा। तो रेंज हमारा जो होगा, रेंज होगा क्या, जीरो से लेकर के इन्फिनिटी तक हो जाएगा, और जीरो में इक्वल लगा देंगे इन्फिनिटी तो अनंत होता है, ओपन इंटरवल चलेगा, इस प्रकार से ये हो जाएगा, ठीक है। जैसे सोचिए कि हम अगर, जैसे ये कह दिया है इतना वाई स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल जीरो, अब अगर हम सोचें कि इसमें भी लिख दें कि वाई स्क्वायर प्लस वन ग्रेटर देन आर इक्वल वन, जीरो पे वन जोड़, जीरो पे वन कर दें तो ये वन हो जाएगा। तो ये सोचिए कि ये मान हमारा, ये एक से बड़ा, ये तो मान पूरा एक्स के बराबर है ना, तो इसे एक से क्यों चलोगे, ये एक जोड़ने का प्रश्न ही नहीं हो रहा है। यहाँ ये देखा जाए कि वाई स्क्वायर जो है, वाई हमेशा जीरो से बड़ा होता है स्क्वायर, तो ये होता है, और हमको रेंज बताना है। अब बेसिक स्क्वायर रूट ऑलरेडी पॉजिटिव होता है तो ये मान तो हमारा प्लस होगा ना, तो यहाँ पर जीरो से चलेंगे, निगेटिव नहीं जा सकता, इसलिए ध्यान दें। दूसरी चीज़ आप ग्राफ से देख सकते हैं,
जैसे चित्र बनाकर फिगर से देखो इसको वर्क करोगे जब तो क्या मिला वाई स्क्वायर बराबर एक्स माइनस वन। वाई में स्क्वायर है इस कारण से ये कैसा पैराबोला होगा है ना, और वाई में वर्क है तो एक्स के सिमेट्रिक होता है, ये पैराबोला एक्स के सिमेट्रिक इस टाइप का होगा। ठीक है, अभी हम इसके चर्चा नहीं केवल ये देख रहे हैं किस टाइप का बन रहा है इस पर बन रहा है। अब स्टूडेंट ध्यान दें अगर वाई के पैरल लाइन खींचते तो ऐसे खींच जाएगी। ठीक है, ऐसे खींचेंगे तो यहाँ पर वाई का मान है यहाँ भी वाई का मान है तो दो स्थान पर नहीं होना चाहिए, दो स्थान में तो फंक्शन नहीं होगा, नीचे नहीं करना चाहिए ऊपर करना चाहिए, इस कारण से नीचे वाला पोर्शन हट जाएगा। इस जीरो से लेंगे तो यहाँ आपका यहाँ वाई जीरो है, यहाँ पर वाई क्या है जीरो है और ऊपर इन्फिनिटी तक जा रहा है, इस प्रकार जाएगा नीचे नहीं आ पाएगा। ये भी एक रीज़न हुआ, एक रीज़न ये बेसिक स्क्वायर रूट मेथड उड़ गया कि बेसिक स्क्वायर रूट हमेशा ऑलरेडी पॉजिटिव होता है, इस कारण से ये होता है। फिर आगे देखिए है ना, इसका डोमेन रेंज को ठीक से समझ लीजिए। ठीक, हाँ, अगला देखिए, अगला क्वेश्चन हम बताए जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर एट, आठवां नंबर, फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू है एक्स माइनस वन का मॉड, ये है। अब इसका डोमेन रेंज बताना है तो इसको देखिए, एक्स का मान हम चाहे जो कुछ रख सकते हैं, प्लस माइनस रूट कुछ भी रख सकते हैं, बस काल्पनिक आयोटा वाले नहीं रख सकते क्योंकि रियल चैप्टर पढ़ रहे भाई, रियल लिखा ही रहेगा कि एक्स बिलोंग टू रियल नंबर। तो इसका मतलब इसका जो डोमेन होगा ऑल रियल नंबर कुछ भी रह सकते हैं, तो डोमेन सीधे रियल नंबर ले देते हो गया आर। ठीक, यही ऐसे एक्स बिलोंग टू रियल नंबर, टोटल रियल नंबर हो जाएगा इसका। अब बात आई रेंज की, तो रेंज देखिए, जब रेंज आप बताएंगे तो रेंज देखो स्टूडेंट, रेंज तो पूरे कहते हैं ना, इसी को वाई मानते हैं है ना वाई, तो यही तो रेंज होता है। जैसे ये एक्स एच में, ये एक्स एच का हमारा क्या होता है, ये हमारा डोमेन होता है और ये y का मान है, ये क्या होता है हमारा रेंज होता है। ठीक, ये हमारा डोमेन है और ये हमारा रेंज है, तो y का मान रेंज होने जा रहा है। तो यहाँ पर आप ध्यान दें, ये मॉड लगा है, मॉड का मतलब ऑलरेडी पॉजिटिव वैल्यू, तो निगेटिव आएगी ही नहीं, तो y भी हमेशा पॉजिटिव रहेगा, इसलिए रेंज हो क्या हो जाएगा पॉजिटिव रियल नंबर। ठीक है, पॉजिटिव पूरा लिख देते हैं, पॉजिटिव रियल नंबर, इस प्रकार से ये हमारा रेंज हो जाएगा। समझ रहे हैं, ऐसी चीज़ें ये हो जाती हैं, इनको आपको समझना है। एक क्वेश्चन और समझ लीजिए, क्वेश्चन नंबर नाइन्थ, फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू फाइव अपान एक्स माइनस टू इंटू एक्स प्लस वन दिया है, इसका डोमेन रेंज बताना। तो सबसे पहले डोमेन, डोमेन तो देख कहीं बता पता चल जाएगा कि डिनोमिनेटर जीरो ना होने पाए, ऐसी संख्या नहीं रखना है कि डिनोमिनेटर जीरो हो जाए क्योंकि इनफाइनाइट हो जाएगा, तो एक्स में टू नहीं हो सकता और एक्स में यहाँ पर माइनस वन नहीं हो सकता, इसी को हटा दीजिए रियल नंबर से, तो आर माइनस टू कामा माइनस वन का ये सेट, ये जो है रियल नंबर से ये हट जाए, यही जो है हमारा डोमेन हो जाएगा, यानी एक्स बिलोंग टू, ऐसा कह सकते हैं आंसर, ये डोमेन का हो गया। अब रेंज में आ जाइए, अब रेंज आपको बताने हैं तो रेंज के लिए आप क्या करेंगे, नंबर लाइन सिस्टम अपना लीजिए है ना, वो ध्यान दीजिए इसमें है ना, दो फैक्टर हैं दोनों करिए इस प्रकार लाइन बना करके ऐसे रेंज फॉर रेंज लिख देते हैं। ठीक, क्रिटिकल पॉइंट ढूंढिए, यहाँ से दो मिलेगा, यहाँ से माइनस वन मिलेगा, रखिए माइनस वन और दो, तो माइनस वन इधर हो जाएगा और दो आपका इधर हो जाएगा। ठीक, अब हम बेबी कर्व मेथड, चाहे ऊपर फैक्टर हो चाहे नीचे फैक्टर, उससे मतलब नहीं है, केवल यही सोचना अगर नीचे फैक्टर है तो ओपन इंटरवल होता है, जानते हैं आप, बस इतने समझना है, बाकी उसी मेथड लगा दीजिए। और राइट से प्लस से चलना होता है, प्लस फिर बोलिए माइनस फिर प्लस, आठ नंबर का पावर है भी तो अल्टरनेटिंग टर्म चलेगा ही, प्लस माइनस चलेगा, वो तो इवन होता है तब चलता सेम साइन है ना। और ये बताया हूँ कि अगर डिनोमिनेटर है तो ओपन इंटरवल चलेगा, गोलर बना दिया हूँ है ना, इस प्रकार से ये ओपन की निशानी है, अगर इसको काले गाढ़े से भर देते तो क्लोज्ड हो जाता है, माने वहाँ तक पहुँचना, उस एलिमेंट को भी ले लेना है। ठीक है, ये हो गया। अब आप देखें कि इसमें जो बताना है हमको वो कौन सा एलिमेंट बताना है, ये हमको ये बताना क्या है कि इसमें से ध्यान दें, आपको सभी एलिमेंट लेने हैं ना, तो इसमें कहाँ है ये एलिमेंट इसका, अच्छा ठीक ठीक, यहाँ तो देखो स्टूडेंट ध्यान रखें, इनइक्वलिटी नहीं दी है, जब इनइक्वलिटी नहीं दी रहेगी तब तो आपको ये मेथड नहीं, क्योंकि हम किससे तुलना, ये वाले में होगा कि ये वाले में होगा कि ये वाले में होगा, ये पता ना, तो इसको हम y मान लेंगे पहले। अब जब y मान लेंगे इसको फैक्टर बनाना होगा, फैक्टर बनाए तो क्या फैक्टर बनेगा, फाइव इज इक्वल टू, ये फाइव है तो कितना हो जाएगा y
इंटू गुणा कर लेंगे कितना हो जाएगा एक्स एक्स मिल के एक्स स्क्वायर, ठीक है। फिर इसके बाद प्लस एक्स, अब माइनस टू एक्स घट जाएगा तो कितना माइनस एक्स हो जाएगा, माइनस एक्स, ठीक, माइनस एक्स हो जाएगा। फिर ये माइनस टू हो जाएगा, कोष्टक बंद करेंगे, फाइव इजिकल टिकन हो जाएगा। तो इसी को हल करेंगे तो कितना हो गया एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स वाई माइनस टू वाई इज इक्वल टू फाइव, ठीक। अब हमें करना क्या है, एक्स में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है, तो इसको लिख देंगे एक्स स्क्वायर वाई पहले लिख देते हैं, माइनस वाई एक्स लिख देते हैं, फिर माइनस टू वाई, ये पाँच इधर आ जाएगा तो माइनस फाइव हो जाएगा। अब अगर इनको कोष्टक में कर लिया जाए तो ये दोनों ऋण हैं तो माइनस करके प्लस कर देते हैं, है ना, बराबर जीरो। इस प्रकार से करना होगा, फिर यह गुणा करा के वाई का मान मान करके एक्स में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे तब जाके यहाँ से निकलता है। अब यहाँ ध्यान दें, यहाँ पर आपको यहाँ भी वाई एक्स स्क्वायर है, यहाँ भी है, तो फार्मूला जानते हैं डिस्क्रिमिनेंट लगाएंगे, चूँकि डी क्या होता है ग्रेटर देन आर इक्वल जीरो होता है, वो होता क्या है बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी ग्रेटर देन आर इक्वल, माने किसी कीमत इनइक्वलिटी आ जाए तब आपका रेंज बनता है। जैसे यहाँ पर इनइक्वलिटी नहीं थी तो हमने तिरछा गुणा करा दिया तब बना रहे हैं, यहाँ ऐसे करते तो ये नहीं पता चल पाए किस पैटर्न में रखें, किस रेंज में रखें, इसमें आएगा किसमें आएगा किसमें आएगा, ये ध्यान दीजिएगा सब समझ जाएंगे। तो यहाँ b, अब b का मान कौन सा होगा, माइनस माइनस वाई है, ये देंगे माइनस वाई का वर्ग वाई स्क्वायर हो जाएगा, माइनस फोर ए का कितना है, ए का मान आपका y ही है ये लिख दिया, c का मान ये माइनस में भी है तो माइनस में प्लस हो जाएगा, टू वाई प्लस फाइव कोष्टक बंद कर, क्या होगा ग्रेटर देन आर इक्वल ये हो जाएगा। अब इसको आप हल करें तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस चार दुनिया आठ एट वाई स्क्वायर, है ना, चार दुनिया आठ वाई स्क्वायर हो जाएगा, अब प्लस चार पंचे बीस वाई ग्रेटर देन आर इक्वल जीरो। अब ये आठ ये नौ जुड़ जाएगा, सेम पावर है,